हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस में समझा फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, फिर हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझा था मेथड, और फिर हमने फंक्शन के क्लासिफिकेशन समझे थे जो कि बेस्ड ऑन थे आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू पर। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि फंक्शंस को हम किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यूजिंग फंक्शन। हमारे क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि कोई भी नंबर हमने जो यूजर से लिया है, उस नंबर का हमें पता करना है स्क्वायर क्या है, और वो हमें फंक्शंस के थ्रू पता करना है। सो हमारा सबसे पहला एल्गोरिथम का स्टेप क्या होगा कि हमें ये मालूम होना जरूरी है कि हमारे पास जो फंक्शन बनेगा उसका हम नाम क्या रखेंगे। सो स्क्वायर करना है तो लेट्स हम उसका नाम ही स्क्वायर फंक्शन रख देते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप, कोई आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं होगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करते टाइम कि मैं चाहती हूँ कि जो यूजर से नंबर मिल रहा है वो मैं उसे मैं स्क्वायर कर सकूं, तो मैं इस अरेंजमेंट को विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट भी कर सकती हूँ बहुत इजीली। विद आर्ग्यूमेंट अगर करूंगी तो उस केस में मुझे यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट नंबर के लिए पास करना पड़ेगा, और अगर विदाउट आर्ग्यूमेंट करूंगी तो उस केस में मुझे यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट ना पास करते हुए मैं यहाँ पर वैल्यूज स्कैन करवाऊंगी यूजर से। तो चलो हम सिनेरियो देखते हैं, हमारा जो स्क्वायर फंक्शन होगा वो किस तरीके से बन सकता है। सबसे पहला सिनेरियो हम ये डिस्कस करते हैं जब हम हमारे स्क्वायर फंक्शन को विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर मैं उसका रिटर्न टाइप ले रही हूँ इंट, और यहाँ पर मैं रिटर्न करा रही हूँ वैल्यू इंट, सॉरी मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ ए, और मैं यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न करा रही हूँ वो डायरेक्टली लिख रही हूँ रिटर्न ए इंटू ए। ये हमारा स्क्वायर फंक्शन हुआ उस केस में जिस केस में हम हमारा विथ रिटर्न वैल्यू और विथ आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। अगर मैं इसे विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू बनाती, अच्छा इस केस में जो हमारा मेन फंक्शन बनता उसमें क्या करते हम, मेन फंक्शन में हमें एक नंबर नंबर डिक्लेयर करना पड़ता, नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते, फिर उसके बाद हम वैल्यू स्कैन करते नम के लिए, ये मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ मेन फंक्शन के, फिर उसके बाद हम क्या करते स्कैन करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देते जो भी हमारा स्क्वायर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सो हम प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर, तो यहां पर हम कॉल कर देते हमारे स्क्वायर फंक्शन को। इस केस में इस तरीके से हमारा मेन फंक्शन बनेगा, लेकिन जब मैं विदाउट आर्ग्यूमेंट या विदाउट रिटर्न वैल्यू कर रही हूं तो उस केस में हमारा void square int a, फिर a की वैल्यू मैं स्कैन करूंगी यूजर से, सो scanf percentile d एम्परसेंड ए, और फिर उसके बाद मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ स्क्वायर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी ए इंटू ए, और यहां पर इस केस में हमारा मेन फंक्शन में क्या होगा, किस प्रकार से बनेगा। हम मेन फंक्शन में सिर्फ क्या करने वाले हैं, हमारे स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है मेन फंक्शन में। तो चलिए इसे हम अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। तो हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर, हम काफी सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं ताकि हम फंक्शंस का बेसिक समझ सकें। इसके बाद यहाँ पर हम हमारा
पहला वाला सिनेरियो विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू में इंट स्क्वायर हमें यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हम हमारे फंक्शन को, और डिक्लेरेशन के टाइम पर हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट फॉर्मल पैरामीटर जो कि इंटीजर टाइप का होगा ये बता रहे हैं। वॉइड मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं एक वेरिएबल नम नाम का जिसकी हम वैल्यू यूजर से स्कैन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ और एंटर अ नंबर। उसके बाद हम यहां करेंगे स्कैन एफ नम की वैल्यू के लिए तो परसेंटाइल डी, और यहां पर हम एम परसेंट करेंगे नम। उसके बाद हम यहां पर क्योंकि रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू तो हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ, और उस केस में हम यहां पर जो भी हमारा स्क्वायर होगा स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी, और हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं पहले नम की वैल्यू और फिर प्रिंट करा रहे हैं हम जब कॉल कर रहे हैं तो स्क्वायर, और कॉल करते टाइम हम यहां पे एक्चुअल पैरामीटर दे रहे हैं नम। गेट सी एच अब हम हमारा स्क्वायर फंक्शन बनाएंगे तो उसको डिफाइन करते टाइम हम यहां पे लिख रहे हैं इंटीजर रिटर्न वैल्यू, और यहां पर हम दे रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर एक इंट ए नाम का। अब इसकी डेफिनेशन में हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं ए इंटू ए, राइट। अब हमारा प्रोग्राम बन गया है हम इसे कंपाइल करते हैं और एंटर अ नंबर लेट्स टेक 5 सो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। लेकिन अगर मैंने इसको विदाउट रिटर्न टाइप बनाया होता या और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स बनाया होता तो उस केस में यहां पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देती मैं, और यहां पर मुझे वेरिएबल की भी जरूरत नहीं पड़ती ना ही मुझे प्रिंटएफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती ना ही मुझे स्कैनएफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती ना ही मुझे ये वाला स्क्वायर को प्रिंट कराने के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती। मैं डायरेक्टली क्लियर स्क्रीन करने के बाद मैं यहां पर मेरे स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर देती विदाउट एनी एक्चुअल पैरामीटर। अब स्क्वायर फंक्शन के अंदर क्या चेंजेस आता डेफिनेशन में, वो ये चेंज आता जिसमें मैं यहां पर डिफाइन करती पूरा स्क्वायर फंक्शन उस टाइम पर, पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाती नम नाम का, उस वेरिएबल की वैल्यू में यूजर से स्कैन करती सो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, और फिर उसके बाद मैं स्कैन एफ करती नंबर के लिए परसेंटाइल डी एट द रेट नम, फिर उसके बाद मैं यहां पर प्रिंट कराती मेरा स्क्वायर सो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ और मैंने इसमें लिखा स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया पहले नम और फिर उसके कराया नम इनटू नम। मैं इसे कंपाइल करती हूँ और अब मैं इसे रन करती हूँ एंटर नंबर 5 कंपाइल करा एंड देन रन करा 5 और फिर यहां पर हमने स्क्वायर फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन को हटा देते हैं क्योंकि वो अब हम इसे कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। So now, अब यहां पर हम यहां पे हमने void करा था तो यहां पे भी हम void कर देते हैं as argument। So यहां पर हम getch function add करेंगे ताकि हमारा hold करके रहे screen output। So enter a number 5 square of 5 is 25।
हमारा यहाँ पर हमने स्क्वायर को फंक्शन को विथ आर्ग्यूमेंट और विथ रिटर्न वैल्यू से हटाकर विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू के अरेंजमेंट में भी देख लिया है। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का यूजिंग फंक्शंस।